नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए डेल्टा टू ब्रैकेट में 5x + 12 अपॉन x² + 5x + 6 और लेंथ ऑफ इंटरवल है वो h = 1 गिवन है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, तो हमें गिवन है 5x + 12 अपॉन x² + 5x + 6, जिसे मैंने लिखा 5x + 12 अपॉन x + 2 × x + 3। ऐसे फैक्टर हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। इसके बराबर अगर हम सोल्व करेंगे तो आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा 5x + 12 अपॉन x + 2 × x + 3 = a/x + 2 + b/x + 3। अगर मैं प्रत्येक पद को x + 2 × x + 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 5x + 12, यहाँ मिलेगा a × x + 3 और यहाँ मिलेगा b × x + 2। अगर मैं x·-2 पुट करूँ तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -10 + 12। अगर यहाँ -2 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 1 × a यानी a, और अगर यहाँ -2 पुट करूँगा तो 0। इससे मुझे a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं x·-3 पुट करूं तो -3 पुट करने पर यहाँ मिलेगा मुझे -15 + 12, -3 पुट करने पर 0, -3 पुट करने पर b × -1। दिस इम्प्लाइज -3 = -b, दिस इम्प्लाइज b = 3। तो हमें a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 3 मिल गई। अगर a की वैल्यू मैं यहाँ 2 पुट करूं तो मुझे मिलेगा 2 / x + 2, तो मैंने लिखा 2 / x + 2, और अगर मैं b की वैल्यू 3 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 3 / x + 3। आप चाहो तो इस प्रकार आंशिक भिन्नों में न तोड़ के डायरेक्ट भी फैक्टर कर सकते हो। जैसे अगर यही हमारा क्वेश्चन है 5x + 12 अपॉन x² + 5x + 6, तो मैंने इसे लिखा 2x + 6 + 3x + 6 अपॉन में मैंने इसे लिखा x + 2 × x + 3। अगर ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x + 3, इनमें अगर 3 कॉमन लें तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट में x + 2 × x + 3, हमारा डिनोमिनेटर में हर में मिलेगा। अगर मैं इसका भाग दोनों पदों में अलग दूं तो अगर इस पद में भाग दें तो x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 2 / x + 2, और इसी प्रकार मैं इसमें पद में भाग दूंगा तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 3 / x + 3। तो इसका जो आंसर है वो 2 / x + 2 + 3 / x + 3 आना चाहिए। ये हमें डायरेक्ट याद भी रहना चाहिए और आप किसी भी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सोल्व करेंगे डेल्टा 2 5x + 12 अपॉन x² + 5x + 6। डेल्टा 2 यानी डेल्टा को हमें दो बार ऑपरेट करना है, तो मैंने एक डेल्टा अलग कर लिया, एक डेल्टा ऑपरेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगा, तो इसकी वैल्यू हमारी वो है 2 / x + 2 + 3 / x + 3। डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो जो भी फंक्शन से कांस्टेंट वो बाहर आ जाते हैं, तो मैंने इसको लिखा डेल्टा ऑफ 2 / Δ(1/x + 2 + 3 / Δ(1/x + 3)। इसे लिखा मैंने डेल्टा 2। अगर किसी भी फंक्शन पे डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो जहां पे भी x है वो x + h से रिप्लेस हो जाता है। h की वैल्यू 1 गिवन है तो x के स्थान पे x + 1 रख देंगे, तो x + 1 + 2 x + 3 - इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर ये ऑपरेट करेंगे तो 1 / x + 4 - 1 / x + 3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा डेल्टा ब्रैकेट के अंदर 2 बार है, एलसीएम आएगा x + 3 × x + 2। इसे सॉल्व करने पर x + 2 -
एक्स प्लस थ्री इसी प्रकार अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा थ्री इंटू एलसीएम लिया मैंने एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री ये होगा एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस फोर इसे सोल्व करें तो एक्स एक्स कैंसिल प्लस का टू माइनस का थ्री माइनस का वन बचेगा माइनस का वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू अपॉन इसे मैंने लिखा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री यहाँ अगर एक्स एक्स कैंसिल कर दें थ्री में से फोर सबट्रैक्ट करें तो माइनस वन माइनस वन को अगर इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री तो माइनस का थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर डेल अलग ऑपरेट कर देंगे और कांस्टेंट बार आ जाएगा तो जो डेल्टा ऑपरेट करने पर यहाँ बचेगा ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री यहाँ माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा ब्रैकेट में बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर माइनस टू इससे हम लिखेंगे जहाँ पे भी x है उसको x प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इसी प्रकार माइनस थ्री यहाँ पे अगर x को x प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर अगर एलसीएम लेके सोल्व करें इसे तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ एलसीएम आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर और यहाँ एलसीएम आएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव तो सबसे पहले अगर एलसीएम लेके सोल्व करें तो मुझे मिलेगा माइनस टू ब्रैकेट के बाहर और मैंने एलसीएम लिया एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर ऊपर मिलेगा मुझे एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर इसी प्रकार अगर दूसरे स्टेप में देखें तो माइनस थ्री एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव और ऊपर यहाँ पे आएगा x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव इसे और सोल्व करें तो x x कैंसिल टू माइनस का फोर टू में से अगर माइनस फोर सब टू में से अगर फोर सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का टू माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस का फोर तो फोर अपॉन x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल थ्री माइनस फाइव माइनस का टू इंटू माइनस का थ्री प्लस का सिक्स तो सिक्स अपॉन यहाँ मुझे मिलेगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फाइव यही हमारा आंसर है।